नमस्कार दोस्तों, आज का शीर्षक है जीवन का सत्य। जी, एक बार कुछ पुराने मित्र कॉलेज छोड़ने के कई वर्षों बाद मिले और उन्होंने अपने कॉलेज के एक प्रोफेसर से मिलने का सोचा। वे अपने प्रोफेसर के घर गए। प्रोफेसर ने उनका स्वागत किया एवं वे सभी बातें करने लगे। प्रोफेसर के सभी छात्र अपने अपने करियर में सफल थे और आर्थिक रूप से सक्षम थे। प्रोफेसर ने सभी से उनकी जिंदगी एवं करियर के बारे में पूछा। सभी ने यही कहा कि वे अपने क्षेत्रों में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सभी ने कहा कि भले ही वे आज अपने अपने करियर में सफल हैं, लेकिन स्कूल एवं कॉलेज के समय की जिंदगी आज की लाइफ से कहीं ज़्यादा अच्छी थी। उस समय उनकी जिंदगी में इतना ज़्यादा तनाव एवं काम का प्रेशर नहीं था। प्रोफेसर ने सभी के लिए चाय बनाई। प्रोफेसर ने कहा कि मैं चाय तो ले आया, लेकिन सभी अपने अपने कप अंदर रसोई से ले आए। रसोई में कई तरह के अलग अलग कप रखे हुए थे। सभी रसोई में गए और रसोई में बहुत सारे कपों में से अपने लिए अच्छे से अच्छा कप लेकर आ गए। जब सभी ने चाय पी ली तो प्रोफेसर ने कहा, मैं आप लोगों को आपके जीवन की एक सच्चाई बताता हूँ। आप सभी रसोई में से सबसे महंगे और शानदार दिखने वाले कप उठाकर ले आए हैं। आप में से कोई भी अंदर पड़े साधारण एवं सस्ते कप नहीं लेकर आया है। प्रोफेसर ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, दोस्तों, कप का उद्देश्य चाय को उठाना होता है और ज़्यादा महंगे एवं अच्छे दिखने वाले कप चाय को अधिक स्वादिष्ट नहीं बनाते। हमें अच्छी चाय की आवश्यकता होती है, महंगे कप की नहीं। हमारी लाइफ चाय की तरह होती है और नौकरी एवं पैसा और समाज में इज्जत इन कप की तरह होती है। नौकरी एवं पैसा जीवन जीने के लिए आवश्यक है, लेकिन यह जीवन नहीं है। कभी कभी हम लोग अधिक महंगे एवं अच्छे दिखने वाले कप के चक्कर में चाय को भूल जाते हैं। जिस तरह चाय का स्वादिष्ट होना कप पर नहीं बल्कि चाय की गुणवत्ता एवं चाय बनाने के तरीके पर निर्भर करता है, उसी तरह हमारे जीवन में खुशियाँ पैसों पर नहीं बल्कि हमारे संस्कारों एवं हमारे जीवन जीने के तरीके पर निर्भर करती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो लाते रहूँगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा दीजिए। धन्यवाद।